अपनी बोली अपना चैनल सोशल वॉइस हरियाणा प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सोशल वॉइस हरियाणा। राम राम जी। सोशल वॉइस हरियाणा यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को पीएस हरियाणवी की राम राम। तो आज हम आए हैं प्योदा गांव में और आपको प्योदा गांव की सारी जानकारियां बताएंगे। कैसा गांव है, कितना बड़ा गांव है, गांव में कितनी बोट है, कितने स्कूल है, कितनी नहर है, कैसे यहाँ के लोग, कैसा भाईचारा है। तो आइए हमारे साथ आज चलते हैं प्योदा गांव में। गांव में बोट कितने टोटल? 3700 के लगभग बोट है। अच्छे से नहीं बताओ, प्योदा गांव में जो ये कहाँ से आके बसे हुए? मैं पंजाब से। बहुत ही अच्छा मैच हमारे बीच में चलता हुआ। अच्छे से नहीं बताओ, प्योदा गांव में जो ये कहाँ से आके बसे हुए? मैं पंजाब से। पंजाब। और गोत्र कौन कौन से है जी? हम बिरादरी जाट बिरादरी का, जो गिर गोत है इससे अलग होती हुई है जी। दो दो कोई गांव का नाम हो जी जो कुर भाई इस सियाब का गांव का नाम पढ़िया प्योदा कोई गांव का कहानी हो? भाई साहब का राज में पढ़िया। मतलब जी भाई साहब का राज भाई साहब का राज। अच्छे जी अच्छे। आओ उसकी टक्कर क्या होती ना दी जो वह टक्कर थी जी, या किसी का लड़ाई हुई थी, किसी का लड़ाई थी जी? भाई साहब ने कहा था अगर उसकी माँ बोली रही भाई साहब ने कुकर पे आरोप पे उतारा है भाई साहब का लड़ाई थी। अच्छे जी। उसका परन ने दली थी उस दली कभी तेरोई करता काम दूं जो ठीक है जी उस दली इतना तो कुछ क्या फिर दे भाई साहब का बजीर में मारे जो वजीर था कथल का था जी। हाँ कथल का था भाई जैसे बुजुर्ग बताए दादा खेड़ा उस गांव में क्या नया का बंदे था या इसी गांव का था कुछ पता हो जी? नहीं दादा खेड़ा तो इनकी बंदे इसका पहला ब्राह्मण थे उसे ब्राह्मण समाज ने बहन जी वो इधर के है और जो गोत्र के वो पंजाब से आए मैं भी बंदे आए हुए हैं। अच्छा वो भी साथ में आए कौन कौन सी बिरादरी के लोग रोगा जी के दरम हरी बिरादरी के नाम बताओ जी कौन कौन सी है? इधर चूड़े चमार हाथी लवार लार एड़ी वही इधर गसाई बापे काजे गसाई बापे काजे गम में बच्चे हंतर खेलना ग्राउंड ग्राउंड भी है जी ग्राउंड रोड है थोड़ी क्या तो अच्छा जो कबड्डी के खिलाड़ी हुए पुराने उनके नाम तो
खड़ा खुड़ा भी इसका हम आधा तो बस वो खड़े का नाम नहीं पता है अच्छे जो अपने मंदिर है कौन कौन से मंदिर है तुम्हें बबराजपुरी का डेरा बेच पे दुकान अच्छा ज्ञानपुरी का गुआंड कौन कौन से आज हम प्योदा गांव के भव्य मंदिर में पहुंचे हैं और कुछ साथी यहाँ पर खड़े हैं, उनसे पूछेंगे मंदिर किस चीज के नाम का भाई बड़े बाबा का मंदिर और देखते हैं मंदिर के अंदर और क्या क्या किस किस चीज की मूर्ति है। एक बारी दर्शन करते हैं बाबा के और बहुत ही विशाल मंदिर और साथ में गुफा। बहुत ही विशाल मंदिर जल्दी जल्दी हम लोग बैठे एक बहुत बढ़िया चीज है। बहुत ही विशाल मंदिर तो हमारे साथ आज प्योदा गांव में आए हैं तो भाई केसराम जी मिले हैं तो इनसे बारे में कुछ राजनीति जानकारी लेंगे गांव की। तो भाई केसराम प्योदा आज आपके गांव में आए हैं और आपका स्वागत करते हैं। बहुत धन्यवाद और आपका भी स्वागत हमारे गांव में। तो भाई थोड़ा ये बताइए तो जानकारी हमने बुजुर्गों से ले ली गाँव में वोट कितने टोटल 4700 के लगभग वोट है प्लस है उसमें और जैसे पिछला चुनाव था उसमें पंचायत का चुनाव था 3300 वोट 3300 ही थे। कितने पंच बनते गाँव में बताओ कुछ और ब्लॉक समिति अकेले प्योदा की है ज्वाइंट है प्लस में सेफ गढ़ पहले जोड़ा खेड़ी भी था अब सेफ गढ़ अच्छे से दो गांव की ब्लॉक समिति है और हमारे जो सरपंच साहब उसका नाम लेडीज पर आई का प्योदा गांव में सरपंच और जो आजकल भाई विदेश में जाने का क्रेज चल रही है प्योदा गांव में भी कुछ मतलब तुम सभी गांवों में यहाँ पे देख रहे हैं हरियाणा बल्कि पूरे भारत में लगा लो बेरोजगारी एरिया भयंकर रूप धारण कर चुकी है। रोजगार है ही नहीं देश में जाति धर्म अक्षर इसकी राजनीति चल रही है रोजगार की तरफ शिक्षा की तरफ की तरफ रोजगार नहीं और बच्चे क्या करेंगे वो बेचारे रोजगार की तलाश में अपने लाइब्रेरी में उसको बेच के कर्ज लेके सात समुद्र पार कितने कटीले जहरीले रास्तों से होते हुए इतने डरावने रास्तों से होते हुए जो देश की धरती पर जा रहे हैं तो ये देश के लिए बड़े चिंता का विषय। लगभग कितने साथी प्योदा गांव से विदेश के लिए गए हैं गिनती उसकी तो हर दिन सुबह उठा हम तो वो पटाखे मारते सुना भाई आज है वो फलाना निकल गया आज फलाना निकल गया लेकिन सबसे ज़्यादा हमारा
परिवार के जाए। अच्छा, हाँ परिवार हमारी पट्टी है पटवारी। अच्छा, कितनी पट्टी है पैदा गाँव में? पट्टी पाँच पट्टी है। नाम बताओ कौन सी? भाई एक बंधा पट्टी है, गडमल पट्टी है, और खाना पट्टी है। भाई जी ये बात बताओ, लगभग सुनते रहते हैं प्योदा गेट उसकी कोई स्टोरी हो, हिस्ट्री हो। और इस तरह भाई साहब, यहाँ पे हमारा एक भाई था धर्म सिंह, तो उस टाइम 1987 में जो चौधरी देवीलाल था, तो उस टाइम रास्ता रोक को एक आंदोलन कर, तो उसमें एक रास्ता रोक के हमारे गांव में, तो उसमें वो भाई एक पत्थर ठंडे होने पुलिस की मतलब बीड़ित में वो शहीद हो गया था, उसके नाम से इसका धर्म सिंह नाम से गेट बनाया गया था। तब से 1987 में बने थे गेट। हाँ ये बताओ, प्योदा गांव में कोई बड़ा खेल स्टेडियम है, छोटा मिनी स्टेडियम हो कुछ? ना भाई, बस ये स्कूल में खेलने वाला मैच है, स्टेडियम का मैच है। जो स्कूल के आगे ग्राउंड है ये वैसे है, 55 जमीन है, 55 जमीन है, वैसे क्रिकेट खेल ले बालक बस खेल ले ये कोच नहीं। प्योदा गांव के सरपंच का क्या नाम है? बलराम है। बलराम है भाई प्योदा गांव का सरपंच, उससे कभी मिले हो ग्राउंड के लिए? हां मिले हैं भाई, काय करते हैं वो इधर किया था उन्होंने सरपंच बहुत अलग करेंगे करते पहले। हां कहते भाई करेंगे, पर करा कर भाई आने तो ग्राउंड ग्राउंड में इतनी है एक कहता दी हवा करते उसका नंबर। प्योदा गांव के अंदर बहुत ही अच्छी टीम रही है पहले भी और आज भी, और ग्राउंड में खिलाड़ी तैयारी करते हुए बहुत ही अच्छे वेट के प्योदा गांव ने खिलाड़ी दिए है। बहुत ही अच्छा मैच हमारे बीच में चलता हुआ, राम राम जी। सोशल वॉइस हरियाणा टीम आज पहुंची है कैथल जिले के गांव प्योदा में, और यहां पर बच्चे और बड़े सभी खेलते हैं वेट की। प्योदा गांव में कई टीम है, तो साथ खिलाड़ियों से जानकारी हासिल करते हैं। राम राम भाई। राम राम भाई। तो ये बताओ मेरे भाई, प्योदा गांव में कौन कौन से वेट की टीम है? भाई तीन टीम है, एक तो 52 किलो की, एक 58 की, और एक मिनी की होगी। चलो भाई जी, मिनी की टीम है। और प्योदा गांव में ये बताओ, कितने दिनों से यह कंटिन्यू कबड्डी की टीम बनती रहती है? बीच में भाई बीच में हट गई थी, फिर बनिया ने क्रिया बोर्ड का खेल चालू, पूरा गांव में खेल कराए, सारे बालक दौड़े हैं ग्राउंड में, सारा साधन जोड़िया, उसका कई सारे बालक दौड़ रहे हैं ग्राउंड में। लगभग कितने बच्चे प्योदा गांव के ग्राउंड में तैयारी करते हैं? 35-40 बालक आवे, सारे छोटे से बड़े। और जो भर्ती वाले होते हैं वो भी रेस इधर ही लगाते हैं? और पूरी लगावा सारे। वो भर्ती वाले कितने हैं? भर्ती वाले कम से कम 20 बालक है। प्योदा गांव में कबड्डी से अलग इस स्कूल में कौन कौन से खेल खेलते हैं? वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, रेस लगा, सारे खेल खेल लिया। लगभग प्योदा गांव में सभी खिलाड़ी हैं। प्योदा गांव में जो कबड्डी के पहले खिलाड़ी हुए ओपन में अच्छा नाम हुआ, कोई खिलाड़ी है तो? सोनू हो गया भाई, बोनिया हो गया, गुरमीत और हो गए, मरू, मिता, बिंदर और इनस क्या करते बने। तो मित्र ये बताओ, प्योदा गांव में साल भर में खेल खाल भी होते रहते हैं? हाँ, 2 साल हो गए लग रहे हैं लगातार करवाने वेट के। तो अन्य साथी भी हमारे साथ है, क्या नाम है भाई जी? राहुल हमारे साथ है। कितने किलो में खेलते हो? 60 किलो में। कितने खिलाड़ी हैं प्योदा गांव में? 7 खिलाड़ी हैं। नाम बताइए। एक नरेश है, एक साहिल है, एक योगेश है, एक तनीष है, टीम में ही हूँ। पोजीशन आइए कोई याद करें? 45 पोजीशन है टूर्नामेंट इस सीजन में। बहुत अच्छी बात है, ताड़ी बजाई दी 45 पोजीशन प्योदा गांव में। बहुत अच्छी बात है, प्योदा गांव की टीम दिन रात तरक्की करे, मालिक से दुआ करते हैं।